आजाद कश्मीर में देख लें और वहाँ पे सफ़े मतम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। नो डाउट, देखें वहाँ पे मुसलमान सफर कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है हम आजाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफर कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आजाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो, आज तल हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। चार कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ दो कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है, और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है, और हम वो कौम है जो जुल्म सह रहे हैं। यूनिट कितने का आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है? 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीस में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीस में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीस में, आपके ये अभी जो आजाद हुआ अफगानिस्तान 11 रुपए का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीस में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो आज फिर हम बात करने वाले पाकिस्तान के बारे में, जाहिल पाकिस्तान के बारे में, जहाँ आपको ये सुनने में आया होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ की हालत भी बहुत खराब हो चुके हैं, जो बलूचिस्तान है उसकी हालत भी बहुत खराब है, और वहीं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग ये बोल रहे हैं कि, कश्मीरी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें क्या भिखारी समझ रखा है क्या पाकिस्तान में, और वहीं आजाद कश्मीर है भारत का, वहाँ के लोग कितने खुश है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग में क्या हाल है, वहाँ जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहीं आलू के दाम भी बढ़े हैं, और वहीं डॉलर अगर भारत के मुकाबले बात की जाए तो उसके रेट भी बढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान की हालत अभी बहुत खराब है। तो ऐसे में जानेंगे हम, पूरा वीडियो देखेंगे सना अमजद का, जिन्होंने रिपोर्ट लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन आज हम देखने वाले इस वीडियो में। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और हम मिलेंगे वीडियो के एंड में और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। पहले आप ये वीडियो पूरा देखिए। आजाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हो रही है। कश्मीर के बासी सड़कों पर निकल आए हैं, दुकानें बंद हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। कश्मीर में गंदम खाने के लिए नहीं है, बिजली के बिल जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। हम पूरी दुनिया में इस वक्त क्या पैगाम दे रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मुनीबुर रहमान। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है आज के इस दौर में? आजकल तो जो गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। देखे ना बिल के हालात, आप सारे मतलब जितना मंथ में अर्न करते हैं उससे ज़्यादा वक्त बिल आ जाता है, बंदा वहाँ पे क्या करे। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या जितना भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, यकीन करें जिससे भी मर्जी आप पूछेंगे ना, जितना वो मंथली प्रॉफिट बनाते हैं ना उससे ज़्यादा का बिल आया हुआ बिजली का। ये पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, बिजनेस तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। सर आज इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है कि इंडिया जम्मू कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर G20 की मीटिंग मुनक्कित करवाने जा रहा है, और अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजियाँ कर रहे हैं कि कारगर्स कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के, और हम कहते हैं हमने आवाज़ बुलंद करनी है, जम्मू कश्मीर में इंडिया वहाँ पे जुल्म कर रहा है। क्या हमें आज़ाद कश्मीर नज़र नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं? लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, सियाहत वहाँ पर बंद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे एक वो मीटिंग जो भी उनका वो इवेंट होने जा रहा है वो इंडिया मुनक्कित करवा रहा है? जी जी सर, इंडिया होस्ट कर रहा है ना G20 की मीटिंग। देखें अब जितने भी वो मकबूजा कश्मीर वाले लोग हैं, यकीन करें आप वोटिंग करवाएं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल देख के, जो महंगाई है जहाँ पे, जैसे सारी आवाम इस टाइम एहतजाज पे लगी हुई है, जो मतलब सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप यकीन करें वहाँ पे वोटिंग करवाएं, वो सारे लोग कहेंगे कि हमने इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में देख लें और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। अब इंडिया देखें चांद पर गया, वो कितना हमारे से तरक्की में बहुत ज़्यादा आ गया। हम तो पहले समझते थे कि 100 साल पीछे हैं, अब तो मुझे लगता है 200 साल पीछे हैं। अब तो हमारे 100 साल तो लग रहे हैं हमें उसके मुकाबले में पहुंचते हुए, हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। नहीं सर, हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते 100 साल के, 2 साल के, मुझे लगता है 500 साल तक भी, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, सारे बैठ के खाना चाहते हैं और वो सब यही कर रहे हैं। एक मैं बात बताऊँ आपको, तल्ख हकीकत यह है, यकीन करें अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएँ, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो, आज तल हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि वो मतलब हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक ना। अब गवर्नमेंट जितना मतलब आवाम को इन्होंने जलीलो ख्वार किया हुआ है ना,
सबसे बड़ी वजह ये है, महंगाई के हवाले से देखें, चीनी के देखें रेट्स कहाँ चले गए हैं, डॉलर्स देखें कहाँ चला, कोई एक चीज़ भी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। अब आप देखें, अभी मुझे पता चला है कि जो पेट्रोल का रेट है वो मजीद बढ़ गया है, मतलब 300 से भी ऊपर चला गया पेट्रोल। बिजली के बिल आप देख लें, मेरा ख्याल है 65 पर यूनिट पे चला गया है। उसके अलावा आप देख लें कि डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपए का डॉलर मिल रहा है, और इवन के अब तो ओपन मार्केट में डॉलर भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें बिजली के यूनिट की बात कर रहे थे 65 रुपीज़ का, इंडिया में यूनिट कितने का आज मेरे कहने पे आपने गूगल करना है, 4 रुपए का यूनिट इंडिया में पाकिस्तानी रुपीज़ में, बांग्लादेश में 3.5 रुपए का पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये आपके ईरान में 8 रुपए का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, आपके ये अभी जो आज़ाद हुआ अफगानिस्तान 11 रुपए का वहाँ पे बिजली का यूनिट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये वहाँ पे बिजली के रेट्स हैं पाकिस्तान में 65 का, और अभी वो कह रहे हैं कि 100 प्लस हो जाना। सर अभी हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अपनी आवाम इनसे संभाली नहीं जा रही, और अभी इन्होंने कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मिलाना है, उन बेचारियों को भी हमने कटोरा लेकर खड़ा कर देना, हमारे साथ ही भाई आओ तुम लोग भी मांगो। मैं कहती हूँ कश्मीर बेहतरीन जगह पे है और कश्मीर को वहीं पर ही रहना चाहिए, बल्कि बॉर्डर खोलें, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये जो उन्होंने आवाम का हाल किया हुआ है ना, यकीन करें जिस बंदे से इंटरव्यू करते हैं वो एक ही रोना रो रहा है, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। आपको पता है कि इंडिया ने कश्मीर में मकबूसा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया है, ठीक है, पानी के जरिए वहाँ पे बिजली पैदा कर रहे हैं। आपने यहाँ पे डैम्स नहीं बनाए, कालाबाग डैम के नाम पर आप लाखों रुपया पाकिस्तान की आवाम से निकालते रहे हैं। मुझे बताएं बिजली के बिलों में कितना आपने कालाबाग डैम के नाम पर टैक्स दिए हैं? मतलब बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि टैक्स लग के आ रहा है कालाबाग गाँव का, नीलम जेलम सरचार्ज, उसके अलावा मतलब बाकी भी टैक्स, कालाबाग डैम, दूसरा डैम, ये तो बचपन से हम टैक्स देखते आ रहे हैं बिलों में, अभी तक वहीं के वहीं है। उसके अलावा जो डैम फंड वो स्कीम स्टार्ट की थी उन्होंने, वहाँ पे बिलियंस रुपीज जमा किया, वो कहाँ गया? यही तो करना, डैम बने और पैसा भी अवाम की जेब से निकलवा लिया, कहाँ गया डैम? आज वो डैम बनाए होते तो मेरा ख्याल है अवाम को इतनी महंगी बिजली ना लेनी पड़ती। पाकिस्तान में डैम देखें, पाकिस्तान में पानी जब बारिशों में आता है हर साल सैलाब आ जाता है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए उन एरियाज में डैम नहीं बना सकते छोटे छोटे। पाकिस्तान में पानी इतना ज्यादा है कि लोग मर रहे हैं उस पानी से बिजली बनाने के लिए, उसको उस पानी को यूज नहीं कर रहे। सर हम पागल हैं, हम डैम क्यों बनाए? हमने अवाम को आसानी क्यों देनी है? हम क्यों दें? हम आपको आसानी क्यों दें भाई? हमने तो अपनी जेबें भरनी है। टैक्स दे रहे हैं, एक माचिस खरीदते हैं ना माचिस, अब उसका पेपर जो कार्ड परचेज करते हैं मार्केट से उसका टैक्स पेड होता है, जो उसको प्रिंट करने के लिए इंक यूज होती है वो भी टैक्स पेड है। उसके अलावा माचिस जब हम खरीदते हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, अब माचिस हमें पड़ती है 5 रुपए की, वो 2.5 रुपए तो उसमें टैक्स दिया होता है हमने, हम कब टैक्स नहीं दे रहे? पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम टैक्स देने वाली कौम है। दोस्तों अगर इस वीडियो को लेकर बात करें तो जहाँ आजाद कश्मीर है वहाँ पर भारत G20 की मीटिंग सबमिट करा रहे हैं, वही जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो हम पूरे इंडिया में जाना चाहेंगे। वहीं पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया बॉर्डर खोलने की इजाजत देता है तो आधा पाकिस्तान है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर खाने को आटा नहीं है, वहां की महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कई लोग है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग है उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बहुत महंगे हुए हैं, वहीं ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो भी बंद हो चुकी है। तो और लोग पाकिस्तान ये कहता है कि हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अच्छे तरीके से संभाला है, वहीं वहां के लोग है वो इंडिया में मिलना चाहते हैं, बॉर्डर खोलने की बात करते हैं। तो क्या है ये सब पाकिस्तान के पीछे, तो क्या होगा आगे? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई ऐसी पाकिस्तान से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी आपके लिए लेके आता रहता है। खैर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।